जनहित में ही इस अलौकिक पुरुष का, इस अवतारी व्यक्ति का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए या नहीं। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। छात्रा होने के फलस्वरूप बाबा के चमत्कारों के संबंध में भी जानती थी। रोगों को दूर करने की बाबा जी में अद्भुत शक्ति भी थी। उन्होंने कई अंधों को आँखें दी और कई कोड़ियों को काया। इन्हीं चमत्कारों के फलस्वरूप तो बाबा जी पवन पुत्र हनुमान कहे गए हैं, और उन्हीं के फलस्वरूप यह छात्रा बाबा के चमत्कारों के संबंध में सुन सुनकर सोचती थी कि अन्य संत लोगों को तो असाध्य रोगों से मुक्ति दी थी, बाबा जी ने अनेक लोगों को मृत्युशैया से उठाया ही उनमें अन्य विस्मयकारी एवं अलौकिक विशेषताएं भी हैं। वह एक ही साथ कई जगहों पर दृष्टिगोचर होते हैं। सुना बात की बात में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं तो कभी बहुत बड़े। अपने स्थान पर बैठे बैठे ही देश विदेश में घटित हो रही घटनाओं से परिचित हो जाते हैं। लोगों के कहने के पूर्व ही उनके मन की बात कह देते हैं। बात तो उसने ठीक ही सोची थी, यह भारत की है जहां लोग मात्र अपना स्वार्थ साध कर उपकारकर्ता को विस्मृत कर जाते हैं। यहाँ के लोगों के रक्त में कृतज्ञता नहीं, कृतघ्नता घुली हुई है। सभी अपने को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। जो वस्तुता महत्वशाली है उसको उचित प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अन्यथा आज बाबा जी का प्रचार विश्व के कोने कोने में होता। हनुमान जी की तरह ही हर गली नुक्कड़ पर उनकी मूर्तियां स्थापित हो जाती। ठीक है, बाबा जी स्थित प्रज्ञ थे, अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे, अपितु प्रशंसा करने वालों को डांटते भी थे। उन्हें पता लग ही जाता था कि किसने कहाँ और कब उनके प्रचार में क्या कहा है। किंतु अब जब बाबा जी आत्मस्वरूप हैं, शरीरस्थ नहीं हैं तथा अब भी लोगों के कल्याण में रत हैं, तो वे चाहे या न चाहे जनहित में ही इस अलौकिक पुरुष का, इस अवतारी व्यक्ति का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए या नहीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की
जय बोलो।